ये है द ब्रॉड आर्ट म्यूजियम और ये जो है ये वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल है। आप पूरा व्यू चेक करें कि कितना खूबसूरत लग रहा है यार, ये इतना प्यारा लग रहा है। आप साइज देखें, यानी मैं इधर हूँ तो गाइस वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल कम्युनिटी पार्क। तो भाई ये फिफ्थ फ्लोर पे आए हैं तो यहाँ से एलए का जो है ये टॉप व्यू दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन दिख रहा है, नाइस। तो गाइस ये अब हम आ गए हैं एंजल्स फ्लाइट रेलवे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेन राइड होगी, ये बड़ी प्यारी सी, आप लोकेशन चेक करें, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है, फुल ऑरेंज एंड ब्लैक थीम, लुकिंग ग्रेट। बच्ची कितनी क्यूट है, आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है हमें टिकट मिलेगा और ये देखें, ये है एंजल्स फ्लाइट, ठीक है। यहाँ से वो नीचे जाएगी, ठीक है, यहाँ से जुप नीचे। तो एक छोटी सी राइड होगी, हम देखेंगे कैसी रहती है, लेट्स सी। परफेक्ट, सो $1 ईच वे, $1 अप, $1 डाउन, टू गो अप इज़ $1। राइट नाउ वी कैन गो, ओके, दैट्स परफेक्ट, थैंक यू। तो भाई चलें, अब हम जा रहे हैं। तो अब हम निकल रहे हैं। जी सर, कैसा रहा? मजा आ गया, छोटी सी एक राइड थी, $1 की, गाइस जबरदस्ती। अच्छा, अब इधर से दूसरे लोग खड़े हुए, ठीक है। अगर अब ये ऊपर, अगर हमें ऊपर दोबारा जाना है तो $1 दें, लेकिन हम शायद पैदल ही जाएं। भाई यहाँ से ये दिखाते हैं, ये इस गड्डी का नाम है एंजल्स फ्लाइट। तो आप यहाँ से जाएंगे वो टॉप तक या फिर टॉप से वापस नीचे तक। चलो भाई चलते हैं अब हम भी। जी गाइस, तो आप जो है हम लॉस एंजल्स की ना ग्रैंड सेंट्रल मार्केट में आए हैं, आप ये चेक करें, ये बहुत फेमस है इधर की, ठीक है। तो ये अंदर अभी हम जाएंगे, पूरी सेंट्रल मार्केट है, डिफरेंट फूड कोर्ट्स हैं, ये देखें क्या लग रहा है, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। ओहो वाओ, तो भाई ये जो पीछे आपको पूरा दिख रहा है ये है भाई हमारी ग्रैंड सेंट्रल मार्केट लॉस एंजल्स की, देख रहे हैं आप। फेमस लॉबस्टर रोल्स, अरे वाह, लॉबस्टर के रोल्स हैं इधर। अच्छा, डिफरेंट किस्म के यहाँ पे सी फूड मिल रहे हैं, लेकिन शॉप बड़ी अच्छी, इन्होंने रंग बिरंगी टाइप बनाई हुई है, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी गाइस, तो हम लोग इधर आए हैं भाई इस शॉप में, ठीक है, सी फूड खाने। तो मैं इधर से ले रहा हूँ लॉबस्टर रोल, ये है $25 का। मेरा दोस्त ले रहा है फिश एंड चिप्स, वो है $21 का, सो डोंट वरी, यू आर डन। तो चलो भाई ये हम लेके रखेंगे अपने टेबल में और जब वो हो जाएगा तो बजेगा पंग टंग 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 टंग। तो भाई चलो, बज रहा है, रेडी, लेट्स गो, बजे जा रहा है, ये तो बजे जा रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो भाई ये हमने दिया, तो ये है भाई हमारा फिश एंड फ्राइज, ये है लॉबस्टर रोल, तो लेट्स सी, लग ज़बरदस्त रहे हैं भाई। तो चलो, तो भाई लग रहा, ओ ओ ओ, ओ गाइस ये गिर गया मेरा, कोई बात नहीं गाइस। तो भाई उन्होंने सॉस हमें एक और दे दिए, तो नो प्रॉब्लम। ये फिर हमारे मार्केट का दूसरा एग्जिट, दूसरी तरफ से एंटर हुए थे, यहाँ से हमने एग्जिट किया, दैट्स इट। ये पूरी थी भाई हमारी ग्रैंड सेंट्रल मार्केट, यार अमेजिंग भाई अमेजिंग। अच्छा गाइस, ये जो ग्रैंड सेंट्रल मार्केट है ना, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने ये है ब्रैडबरी बिल्डिंग, ये ब्रैडबरी, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त और फेमस है भैया। हम अंदर चल के देखते हैं भाई इसमें क्या है, तो लेट्स सी। तो भाई चलो, ब्रैडबरी बिल्डिंग, अरे एक तो हर जगह से ही दरवाज़ा ही नहीं खुलता कभी हमारा। तो भाई ये चेक करें, ओहो हाय 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 हाय, नहीं हाय मजे, नो पब्लिक एक्सेस, ऊपर नहीं जा सकते हम, अरे पापा साईं। समय मिली को
contando uma história que a chuva levou todo equipamento. Só deixou as roupas do varal, os limão do quintal e a pasta impermeável. चलें गाइस, उनके स्टाफ आए हैं, जरा देखते हैं अंदर से लिफ्ट कैसी है। इसी वाहन है देखें तो, फुल ओल्ड सी है। अच्छा गाइस, ये जो ब्रैडबरी बिल्डिंग है ना, ये लॉस एंजलिस की ओल्डेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग है। इसका क्या मतलब है कि भाई, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे ऑफिसेज़ हैं। ये पीछे ऑफिसेज़ हैं, ये फर्स्ट फ्लोर में ऑफिसेज़ हैं, सेकंड फ्लोर में ऑफिसेज़ हैं, और आपको जाना अलाउ नहीं है। इसी वजह से जाना अलाउ नहीं है क्योंकि सारे ऑफिसेज़ की टेरिटरी हैं, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि भाई, आप एक स्पेस जो है रेंट आउट कर लें और आपने उसको अपना छोटा सा ऑफिस बना लिया या इस तरीके से, तो पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है अभी भी। अगर ऑफिस हो, अलग ही मज़ा है, आप चेक करें। ठीक है, तो भाई ये हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, गिलास बुक स्टोर। चलो मतलब चलते हैं। हम ये क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको। जी गाइस, तो इसको लास्ट बुक स्टोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब बना था ना, आई थिंक 1914 में बना था, तो उस वक्त जो है ना, इसके क्रिएटर ने कहा था कि भाई ये ज़्यादा चलेगा नहीं, 3 साल तक मैक्स चलेगा, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा क्योंकि अब लोग किताबों से दूर हो रहे हैं। सही है, तभी इसका नाम रख दिया था द लास्ट बुक स्टोर, लेकिन ये फिर ख़त्म नहीं हुआ। सही, और ये एक अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी शोहरत की वजह क्या है। सो लेट्स गो। इन्होंने बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, लगाई हुई हैं, थोड़ा सा एंटीक लुक दिया हुआ है। अरे भाई, आप ये देखो क्या लग रहा है। ये देखें बुक्स वगैरह कैसे रखी हुई हैं इन्होंने, इन सबको टच करना अलाउ नहीं है, ठीक है। ये देखें पेजेस वगैरह कैसे रखे हुए, ये इस तरह से बुक्स वगैरह टांगी हुई हैं। हमने ओ गाइस, ये आप बुक टनल चेक करें, क्या बनाया है इन लोगों ने, ज़बरदस्त, परफेक्ट भाई, इतना प्यारा लग रहा है यार ये, अमेजिंग भाई, पूरा इन्होंने भाई टनल बना दिया किताबों का, इतना प्यारा लुक, पता नहीं कहाँ से ऐसे आइडियाज़ लाते हैं, समझ से बाहर है। ये चेक करें, ओए होए, अभी साथ में ये इन्होंने चुड़ैलों वड़ैलों वाला कोई रूम बना दिया। ये देखा वो भाई, इधर बैठ के बंदा टॉर्चर करना है इन्होंने। हाँ, ये वही वाला उन्होंने सीन बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक देंगे पूरा, फुल हटो बचो इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाया हुआ है। सब छोड़ें, ये जो है ना, इन्होंने जो ये टनल बना दिया, तो इन्होंने गेम ही ख़त्म कर दिए भाई, अखीर गेम कर दिए इन्होंने टनल बना के। आप ये ओके, अब इसके ऊपर भी छोटा सा एक फ्लोर है इन्होंने दिया हुआ है। भाई, मैंने लाइफ में इतनी सारी बुक्स एक साथ देखी है, हाँ देखी है, लाइब्रेरी में देखी थी स्टैनफोर्ड की। ये देखो, ये मिट्टी चोरी खाओ, नहीं तो कौवा। जी गाइस, तो इसी के साथ जो है हमारा आज का दिन अपने अख्ताम पर पहुंचा। तो आज जो है ना, हमने लॉस एंजलिस का पूरा डाउनटाउन एक्सप्लोर किया, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चलें भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉस एंजलिस डे 2 के साथ। जब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Quiero ese hombre que me sepa amar, que me ama.